हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहीन बख्तावर और आप लोग देख रहे हैं WBPSC गाइड। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग GS पेपर 3 को, जिसमें मेनली GS पेपर 3 तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहता है दोनों ही, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट ये वाला आपका सेकेंड पार्ट है। ओके, प्रैक्टिस सेट का सेकेंड पार्ट याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने मिस किया है तो उसे भी देख लीजिएगा। WBCS मेंस एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर में, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। वन बाय वन सारे वीडियोस मिलेंगे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री का। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री का तीनों सेक्शन मिलेगा, एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न, तीनों को कवर करने की कोशिश की गई है और मेंस के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश की गई है इस पेपर में। क्वेश्चंस आप लोग देखिए, साथ में आंसर्स भी मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना आप लोग, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। क्लर्कशिप के लिए भी एक सेपरेट क्लासेस चल रहा है ऑन इंग्लिश, उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा अब तक। तो टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर आपको क्विज मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ, और साथ ही मैथ्स के लिए, GS के लिए अलग अलग सेपरेट चैनल किए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर भी डिस्कशन चलता है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। इसका PDF आपको वीडियो का वहाँ मिल जाएगा, और साथ ही सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन सबसे अपडेट रखने की कोशिश की जाती है। सो काफ़ी एक्टिव चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लेना इसको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडियन हिस्ट्री है तो आपको तीनों सेक्शन मिलेगा, एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। और इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग इस पर ऐसे करके मार्क कर लेना कि हमको ट्रू, हम लोगों को क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो मेन्स में मेनली देखना आप लोग, इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, यही अभी पैटर्न है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट, सूरत स्प्लिट वीक इन द स्वदेशी मूवमेंट, सेकंड, द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द मूवमेंट आल्सो फोर्स्ड ब्रिटिश टू कम अप विद द हेवी हैंड ऑन द मूवमेंट। अब आप लोगों को चूज करना है इन सारे कोड्स से, ये जो कोड्स दिया गया है ना, इसी से चूज करना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो पहले मैं आंसर बता देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आंसर आपका यहाँ पर होगा डी, बोथ ऑफ द अबव। फर्स्ट देखिए, सूरत स्प्लिट इट वीकेंड द स्वदेशी मूवमेंट, येस, वाई, बिकॉज ये सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट में फैक्शन हुआ था बिटवीन इन द कांग्रेस, फैक्शन इन द कांग्रेस बिटवीन क्या, बिटवीन द मॉडरेस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, है ना। तो ये बात जो हुई थी, इसके बाद क्या हुआ, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ना, ये काफ़ी वीक पड़ गया था। और दूसरी बात के रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द मूवमेंट ऑल्सो फोर्स ब्रिटिश टू कम अप विद द हेवी हैंड ऑन द मूवमेंट, येस, दिस इज ऑल्सो राइट। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने जितना सारा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसका इफेक्ट क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, एक हैवी हैंड स्टार्ट कर दिया देना, माने कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए रिलेटेड टू ऑल द मूवमेंट। ओके, ऑन ऑल द मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर टू, रज़िया वॉज द डॉटर ऑफ विच सुल्तान। ओके, रज़िया कौन से सुल्तान की डॉटर थी। ऑप्शन आर ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हैदर अली और डी सुल्तान इल्तुतमिश। सो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, आप लोग इसको जानते ही हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, आंसर इज ऑप्शन डी, सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया। ओके, दिस ईयर 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। अगेन ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है हम लोगों को। देखिए स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट, सूरत स्प्लिट ऑफ सूरत वॉज अर्लियर अवॉइडेड बाय दादा भाई नौरोजी, एंड द सेकेंड इज सूरत स्प्लिट ऑकर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है, ये सारे कोड्स हैं, इसको यूज करना है हमें। तो यहाँ देखिए आंसर जो आपका होगा सबसे पहले वो होगा डी, ठीक है, यानी बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ये सूरत स्प्लिट जो हुआ था, सूरत स्प्लिट 1907 में, ये आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे दिया हुआ ईयर, और कहाँ पे हुआ था, नियर ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पर कांग्रेस का फैक्शन हुआ था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो मेनली जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उनका क्या डिमांड था, उनका मेनली ऑब्जेक्टिव था इस सेशन में, कि उन लोगों का डिमांड्स था कि लाला लाजपत राय,
नाम जानते हैं आप लोग, लाला लजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस का, बिकॉज उस टाइम फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन स्टार्ट हुआ था कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए, ठीक है। तो लाला लजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना होगा, एंड दूसरी बात स्वराज, स्वराज का जो रिजोल्यूशन है उसको पास करवाना था। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव था जो बना रीजन फॉर दिस स्प्लिट, ओके। तो इसको क्या हुआ था, इस चीज़ को अवॉइड किया गया था इन द ईयर 1906 जब दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया था प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देख सकते हैं सारा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। अब फिर से हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट, इंडिगो रिवोल्ट ट्रांसपायर्ड इन 1859 to 60। सेकंड, मेन इशू ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट वाज बिलो मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये सारे कोड्स हैं, बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, अगेन बोथ ऑफ द अबव आर एब्सोल्युटली राइट। ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 to 60 में, एंड जो मेन इशू था इस रिवोल्ट का, मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, दैट वॉज द मार्केट प्राइस से भी सब नीचे, बिलो मार्केट प्राइस से भी बिलो जो उनको मिलता था प्रोड्यूस का, ठीक है। किसको, फार्मर्स को। मेनली यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन जो हो रहा था वो फार्मर्स का हो रहा था। स्लाइड को देखिएगा आप लोग तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो मेनली जो फार्मर्स थे उनको ही ऑप्रेस किया जा रहा था। कौन ऑप्रेस कर रहा था, ब्रिटिशर्स तो थे ही, ठीक है, ब्रिटिशर्स वेर देयर, उनके साथ कौन थे, प्लांटर्स। मेनली इन प्लांटर्स को ही दिया जाता था ये प्लांट करने के लिए। तो ये लोग तो खुद नहीं करते थे, इन लोग किसे करवा रहे थे, फार्मर्स से। किसे करवा रहे थे प्लांटर्स, फार्मर्स से। तो स्मॉल फार्मर्स जो थे उनका इतना ज़्यादा ऑपरेशन होता था, इतना ज़्यादा उनको अप्रेस्ड करके रखा जाता था कि उनको जो वो काम कर रहे थे उसके बदल में उनका जो रेंट होना चाहिए, प्रॉपर वेज होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता था, ठीक है। और उनको फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता था ये इंडिगो प्लांटेशन का, ठीक है। सो दे वे फोर्स टू सेल इंडिगो एट द नॉन प्रॉफिटेबल रेट्स, ठीक है। माने उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, जस्ट किसका प्रॉफिट हो रहा है, यूरोपियन प्लांटर्स का और साथ ही गवर्नमेंट का। इन लोग ही मेनली एंजॉय कर रहे थे और इन फार्मर्स जो हैं उनका ऑपरेशन हो रहा था। सो गवर्नमेंट भी जो एक तरह से क्या कर रही थी, सपोर्ट करते थे इन प्लांटर्स को। वाई, बिकॉज ये लोग जो हैं इन लोग भी मिले हुए थे साथ ही गवर्नमेंट के, ओके। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिलेटेड टू द इंडिगो रिवोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मेजर रीजन दैट 47th रेजिमेंट ऑफ द बैरकपुर रिफ्यूज टू गो टू बर्मा, ठीक है। तो 47th रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो बर्मा तक नहीं जाएंगे, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आ रहे हैं रिलीजियस रीजन, बी पॉलिटिकल रीजन, सी सोशल रीजन और डी अदर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए, ये रिलीजियस रीजन, ये यही आपका करेक्ट आंसर है। रिलीजियस रीजन वॉज देयर जिसके वजह से, जिसके बिना पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, किसने, 47th रेजिमेंट ऑफ द बैरकपुर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो बर्मा तक नहीं जाएंगे। तो इसके पीछे की एक स्टोरी है वो देख लीजिए। तो क्या स्टोरी है, जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उस टाइम में 1824 में क्या हुआ था, 26th, 47th एंड 62nd ये रेजिमेंट्स जो हैं इन लोगों को ऑर्डर मिला था, ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे इन लोग, तो इन लोगों को ये ऑर्डर दिया गया था दैट दे हैव टू मार्च 800 किलोमीटर, कहाँ से, फ्रॉम बैरकपुर जो एक मिलिट्री कैंटनमेंट हम लोग जाते हैं, कहाँ पे है, बंगाल में है, यहाँ से उनको कहाँ तक जाना था, बैरकपुर से, ठीक है, ये बैरकपुर है और यहाँ से उन्हें जाना है कहाँ, चित्तागंज, ठीक, चित्तागंज जाना है। कैसे जाएंगे, बाई वॉक ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इनको जब यहाँ तक जाना है तो इन लोगों ने क्या किया, मार्च किया और एटलीस्ट 1600 किलोमीटर तक ये लोग चले। उसके बाद इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, इसके आगे और हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है भाई, क्योंकि अब जो उन लोगों को सी एक क्रॉस करना था। तो ये लोग जो हैं इस रेजिमेंट से, तीनों जो आप लोग रेजिमेंट देख रहे हैं ना, ये तीनों में मेनली जो अपर कास्ट के हिंदू थे वो लोग ही थे इसमें, ठीक है। तो इन लोगों का एक अपना रिलीजियस बिलीफ है कि सी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने जब रिफ्यूज़ कर दिया तो वहीं पर, वहीं बैरकपुर में, बैरकपुर मिटनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बैरकपुर मिटनी हुआ, वहाँ पर उन लोगों ने
सिपॉयज जो हैं उन लोगों ने क्या किया, दे रेज अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर इन दिस ईयर 1824. सो ये बैरकपुर म्यूटिनी अकर हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे सी को. ओके, सो ये कब हुआ था, किसके पीरियड में हुआ था, ये भी याद रखना है. ये उस वक्त हुआ था जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्ट हुआ था, एंड उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम एमरेस्ट. याद रखना आप लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू दिस बैरकपुर म्यूटिनी. ठीक है, मेनली आपको देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बैरकपुर म्यूटिनी से नहीं आया, यहाँ पूछा गया था कि 47 रेजिमेंट ने क्यों मना कर दिया था कि वो लोग बर्मा तक नहीं जाएंगे, मार्च नहीं करेंगे. तो रीजन था उनका रिलीजियस बिलीफ, और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि ये बैरकपुर म्यूटिनी हुआ था इसके बाद उनके रिजेक्शन के बाद. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द बंगाल टेनेंसी एक्ट वॉज पास्ड. ऑप्शन आर ए 1888, बी 1884, सी 1885 और डी 1886. एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, इन द ईयर 1885 दिस बंगाल टेनेंसी एक्ट वॉज पास्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. Again, true statement. First, one limitation of peasant rebellion was inadequate understanding of colonialism. Second, peasant envisioned an option of alternative society via their opposition. अब इसमें से हम लोगों को बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, तो यहाँ आंसर आप लोग देख लीजिए. पहले आंसर है ऑप्शन ए. सो यस, देर वॉज अ लिमिटेशन ऑफ दिस पेजेंट रिबेलियन. जितने सारे पेजेंट जो है वो रिवोल्ट कर रहे थे, उनका एक फ्लॉ था, अगर हम लोग देखें कमी रह जा रही थी, एक लिमिटेशन था उस रिवोल्ट रिबेलियन का. क्या था वो, those peasant they don't have any adequate understanding or knowledge of this colonialism. ठीक है, तो इस वजह से उन लोग प्लान और ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर पा रहे थे. समझ एक्चुअली वो लोग समझ ही नहीं पाए थे कि कॉलोनियल रूल है क्या, कॉलोनियलिज्म है क्या, जिसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो रहे. तो उन लोगों के पास कुछ खास जानकारी नहीं थी, इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग था अबाउट दिस कॉलोनियलिज्म. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बट द सेकेंड वन, प्रेजेंट इन्वेजन एन ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव सोसाइटी वाय दर ऑपोजिशन, ये ठीक नहीं है. ठीक है, ये अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं है. तो ऑप्शन वन इज द राइट, यानी कि आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट. फर्स्ट, स्वदेशी बांधव समिति वॉज फॉर्मुलेटेड बाय अश्विनी कुमार दत्ता. सेकेंड, स्वदेशी एरा यूज द फेस्टिवल्स एंड मेलास क्रिएटिवली टू रीच आउट पीपल. ओके, अब ये सारे कोड्स हैं, यूज करके बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यस, करेक्ट स्टेटमेंट दोनों ही हैं, ऑप्शन बी, सॉरी डी, बोथ ऑफ द अबव. स्वदेशी बांधव समिति वॉज फॉर्मुलेटेड बाय अश्विनी कुमार दत्त, एंड स्वदेशी एरा यूज टू द फेस्टिवल्स एंड मेलास एंड क्रिएटिवली टू रीच आउट द पीपल. ठीक है, स्वदेशी एरा में तो यही हो रहा था ना, डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था, एंड मेलास वगैरह सब मेलास जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा था, ऑर्गेनाइज किया जा रहा था. सो ऑप्शन डी इज द राइट वन, बोथ ऑफ द अबव आर एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट. So the next question, question number 9. Consider the following statement. Albert Bill was about Europeans to be trailed by Indian judges. Second, the word Congress in context of INC is brought from the North American history, which means assembly of people. थर्ड, जस्टिस रानाडे इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. दीज आर द ऑप्शंस. अब बताना है हम लोगों को कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट है. ठीक है, यहाँ मैं मिसिंग हो गया, मैं लिख देती हूँ करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना. ओके, सो देखिए इल्बर्ट बिल, आंसर पहले मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. सो आंसर है आपका यहाँ पर ए, वन एंड टू, ये वाला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग. भाई आगे देखते हैं. इल्बर्ट बिल, इट वॉज अबाउट यूरोपियंस टू बी ट्रायल्ड बाय द इंडियन जज. यस यस, ये लॉर्ड रिपन ने एक्चुअली क्या किया था, इस बिल को सामने प्रेजेंट किया था. कब, इन द ईयर 1883. ठीक है, 1883 को. तो इसमें मेनली क्या था, इसमें दिया गया था कि जो इंडियन जजेस है ना, इंडियन जजेस या फिर मैजिस्ट्रेट, उन लोगों के जरिस्डिक्शन में ये अथॉरिटी देने की कोशिश की गई थी. और ये रिकमेंडेशन था बिल का कि इंडियन जजेस जो हैं वो ब्रिटिश ऑफेंडर्स के क्रिमिनल केसेस को, ब्रिटिश ऑफिसर्स के क्रिमिनल, याद रखिएगा ये माइन्यूट डिटेल्स हैं, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जो ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस. ओके, क्रिमिनल केसेस बट वेयर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी याद रखना है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये क्रिमिनल केसेस जो हैं, इंडियन जजेस वो लोग ब्रिटिश ऑफेंडर्स के क्रिमिनल जजेस को वो लोग सुन सकते हैं, उनकी हेयरिंग, उनका ट्रायल जो है वो लोग कर सकते हैं. कौन, ब्रिटिश जजेस, याद रखना आप लोग.
प्रेजेंट किया था लॉर्ड रिपन ने इन द ईयर 1883 एंड व्हाट वाज देयर इन दिस बिल दैट द जो इंडियन जजेस हैं उन लोगों को उन लोगों के जरिस्डिक्शन को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश की गई थी एक्चुअली में कि जो क्रिमिनल केसेस हैं ब्रिटिश ऑफ इंडस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका ट्रायल कर सकते हैं इंडियन जजेस. ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड वर्ड कांग्रेस, ये जो कांग्रेस वर्ड है ना ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ INC इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम कहाँ से, नॉर्थ अमेरिकन हिस्ट्री, जिसका मीनिंग होता है असेंबली ऑफ पीपल. ये बिल्कुल करेक्ट. थर्ड वन जस्टिस रानाडे, ओके, इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ये एक रॉन्ग है. वाई? बिकॉज ग्रैंड ओल्ड मैन ये किसको बोला जाता है, हम लोग किसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी को, है ना. तो इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया. सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, शिशिर कुमार घोष वॉज एडिटर ऑफ द अमृत बाजार पत्रिका. टू, सिद्धारक वॉज एडिटेड बाई गोपाल गणेश अगरकर. एंड थर्ड, वॉइस ऑफ इंडिया वॉज अंडर बीजी तिलक. नाउ विच ऑफ अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है. आंसर पहले देख लीजिए आप लोग. आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2. तो शिशिर कुमार घोष, यस ही वॉज एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका. एंड साथ ही सिद्धारक, इट वॉज एडिटेड बाई गोपाल गणेश अगरकर. बट दिस वॉइस ऑफ इंडिया इट वॉज नॉट अंडर बीजी तिलक, बट कौन थे उनकी जगह में बताइए. द राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ. इट वॉज दादाभाई नौरोजी. ओके, दादाभाई नौरोजी उन्होंने लिखा था ये वॉइस ऑफ इंडिया. दिस वॉइस ऑफ इंडिया वॉज अंडर दादाभाई नौरोजी. तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज एब्सोल्युटली राइट. इसके बारे में थोड़ा, ये नई चीज़ है सुधारक, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं. तो ये रहा आपका यहाँ पर सारा एक्सप्लेनेशन. सो गोपाल गणेश अगरकर, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, थिंकर फ्रॉम कहाँ, महाराष्ट्र से, ठीक है. और साथ ही वो को फाउंडर भी रहे हैं बहुत सारे रीनॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, जैसे कि न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी. ओके, और ये जो न्यूज़पेपर की बात कही गई, ये न्यूज़पेपर सुधारक, यानी इसका मीनिंग देखिए, सुधारक का मीनिंग होता है रिफॉर्मर. आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुधारक व्हाट डज इट मीन, सो इट मीन रिफॉर्मर. ओके, और इसको किसने स्टार्ट किया था, गोपाल गणेश अगरकर ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, सेक्शन 124A इन IPC वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1870. सेकेंड, पी आनंद चार्लू रेफर्ड कांग्रेस एज अ माइटी नेशनलाइजर. एंड थर्ड, AO Hume वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. अगेन चूज करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले देख लीजिए. करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1 and 2, बिकॉज ये आप लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है. AO Hume, ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, हु वॉज दैट, WC बैनर्जी, है ना, WC बैनर्जी. ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना होगा. अगर आप लोगों ने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रखना, ठीक है. सो WC बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. एंड येस, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट. सेक्शन 124 IPC में जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1870 में, और पी आनंद चार्लू ने कहा था कि कांग्रेस जो है एक माइटी नेशनलाइजर है. अभी इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं. रहा फैक्ट्स, पी आनंद चार्लू जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है एक माइटी नेशनलाइजर है, तो ये कौन थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द नागपुर सेशन ऑफ द INC इन दिस ईयर 1891. ओके, याद रखना आप लोग. एंड द इंडियन पेनल कोड, इट वॉज इनएक्टेड इन द ईयर 1860 अंडर द ब्रिटिश राज. एंड दिस सेक्शन 124A फॉर्म्स पार्ट ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द कोड. ये इतना डिटेल याद नहीं रखना है, जस्ट इसका इनएक्टमेंट कब हुआ था ये ईयर याद रखना आप लोगों को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Which of the following pairs are correctly matched? Correctly matched pairs find out करना है. First है Economic History of India by Ramesh Chandra Dutt. Second is Bengali by Surendranath Banerjee. Third is Hindu by G. Subramaniam Iyer. And fourth is Kesari by B.G. Tilak. Again we have to find the correct statement. So यहाँ पे देखिए correct statement आगे हो जाएगा आपका option B. That is 1, 2, 3, and 4 सारे ही बिल्कुल correct हैं. Okay. सो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, येस इट वॉज बाई रमेश चंद्र दत्त, बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, हिंदू बाई जी सुब्रमण्यम अय्यर, एंड केसरी बाई बीजी तिलक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट देखना है. फर्स्ट, 1906 सेशन ऑफ INC वॉज कंडक्टेड एट सूरत. 1905 सेशन ऑफ INC वॉज ऑर्गेनाइज एट बनारस. कौन सा करेक्ट है,
ये हमें बताना है. सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर होगा. ओनली टू 1905 सेशन जो हुआ था 1905 का INC का, वो बनारस में हुआ था. एंड दिस 1906 सेशन ये सूरत में नहीं हुआ था. सूरत का कब हुआ था बताइए, अभी हम लोगों ने तो इसको पढ़ा 1907 में ना, 1907 ओके. और यहाँ जब बात आई है 1906 की, तो आप लोग याद रखिएगा ये वाला कहाँ पे हुआ था, दिस वॉज इन कैलकटा. ठीक, ये रहा आपका आंसर. तो आंसर हमारा ऑप्शन है, क्योंकि हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था. सो ओनली ट्रू इज द करेक्ट. द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, अगेन ट्रू स्टेटमेंट. फर्स्ट, मुराल पेंटिंग्स आर डन ऑन ड्राई सरफेस. सेकेंड, फ्रेस्कोस आर डन ऑन द वेट प्लास्टर. ठीक है, पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ऑफ द अबव. ये मुराल पेंटिंग्स जो होती है ना, ये ड्राई सरफेस पे किया जाता है, और फ्रेस्कोस ये वेट प्लास्टर पे. तो अजंता की पेंटिंग्स जो हम लोग देखते हैं ना, तो अजंता पेंटिंग्स में मेनली यही दोनों यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, दिस मुराल पेंटिंग. ओके, तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है रिलेटेड टू द अजंता पेंटिंग्स. सो आंसर इज डी, बोथ ऑफ द अबव. नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. करेक्टली मैच्ड पेयर को ढूंढना है. फर्स्ट, अजंता औरंगाबाद, बी बाघ धार डिस्ट्रिक्ट, सी अनामलाई विलोर, एंड फोर भाजा चित्तौड़गढ़. ये सारे कोड्स हैं, बताना है कि कौन सा केव कहाँ पर है, कौन सा केव का जो जगह आपको दे दिया गया, जस्ट बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है. ओके, तो आंसर पहले देख लीजिए. आंसर इज ए, सॉरी नॉट दिस वन. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, तो अजंता औरंगाबाद में है, बाघ धार डिस्ट्रिक्ट में है, अनामलाई के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में. बट इज भाजा ये वाला आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, याद रखना आप लोग. ओके, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली अगर आप लोग देखो तो महाराष्ट्र के आई थिंक लोनाविला में. ओके, लोनाविला, तो नोट कर सकते हो आप लोग ये पॉइंट्स. और बाकी ये तीन बिल्कुल करेक्ट हैं. सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, and 3. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट. अगेन करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. ड्यूरिंग हिनायना फेज बुद्धा वॉज वर्शिप इन ह्यूमन फॉर्म. सेकेंड, इन महायना ओनली द सिंबल्स लाइक व्हील एंड स्टूपा वर वर्शिप. अब बताना है कौन सा करेक्ट है ना. तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, बी नन, कोई भी करेक्ट नहीं है. ठीक है, ये जो बोला गया कि हिनायना फेज में बुद्धा को वर्शिप किया जाता था इन द ह्यूमन फॉर्म, ये बिल्कुल गलत है. हिनायना नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा महायना. ओके, दीज आर द टू सेक्ट्स, बुद्धिज्म का टू सेक्ट्स है, महायना एंड हिनायना. और यहाँ जो बोला गया कि महायना ओनली द सिंबल लाइक व्हील एंड स्टूपा वे वर्शिप्ड, तो ये सिंबल्स का वर्शिप कहाँ होता था, नॉट इन महायना बट इन द हिनायना सेक्ट्स, याद रखना आप लोग. ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा दे दिया गया और कुछ नहीं, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. इन अजंता पेंटिंग्स, वन, पद्मपानी रिप्रेजेंट द बेयरर ऑफ लोटस. टू, वज्रपानी रिप्रेजेंट द बेयरर ऑफ थंडरबोल्ट. सो अब अजंता पेंटिंग से अगेन क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है. सो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं. आंसर सी इज द करेक्ट, सी इज द आंसर, बोथ ऑफ द अबव. दैट पद्मपानी जो था वो रिप्रेजेंट करता है बेयरर ऑफ लोटस, एंड वज्रपानी रिप्रेजेंट द बेयरर ऑफ थंडरबोल्ट. ओके, नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. अगेन ट्रू स्टेटमेंट. फर्स्ट, मुगल पेंटिंग्स वर ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इस्लामिक एंड इंडियन स्टाइल पेंटिंग्स. टू, राजस्थान एंड मुगल पेंटिंग्स स्टाइल्स आर वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन. इसमें करेक्ट आंसर क्या है, मैं पहले आंसर बता दे रही हूँ. आंसर इज ए, ओनली वन. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, दैट मुगल पेंटिंग्स जो था इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ पर्शियन देन इस्लामिक एंड साथ ही इंडियन स्टाइल पेंटिंग्स. ये तीनों का एमलगमेशन अगर हम लोग देख सकते हैं मुगल पेंटिंग्स में. बट ये जो सेकेंड पार्ट है ना कि राजस्थान एंड मुगल पेंटिंग्स स्टाइल्स वो टाइटली कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो ऐसी कोई बात नहीं है. बहुत सारा जो मुगल पेंटिंग्स है, मुगल पेंटिंग्स में हम लोगों को ये राजस्थानी स्टाइल का इम्पैक्ट देखने को मिलता है. सो देयर इज नो सच कंपार्टमेंटलाइजेशन इन बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ पेंटिंग. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ओनली वन इज द राइट. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. ट्रू स्टेटमेंट देखना है हमें फिर से. लाला हरदयाल यूज सेफ्टी वैल्व थ्योरी इंस्टेंस इन एन आर्टिकल ऑफ यंग इंडिया. सेकंड, सेफ्टी वैल्व थ्योरी सेज दैट द कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन. अब बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. सो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज ओनली टू. द सेफ्टी वैल्व थ्योरी सेज दैट कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन. यस, लॉर्ड डफरिन ने ही एक्चुअली में ये जो सेफ्टी वैल्व थ्योरी है इसको प्रोपाउंड किया था कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, ताकि इनका क्या मोटिव था मेनली कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो इंडियंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए अपने ग्रीवांसेस को एक्सप्रेस करने का और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मींस. यहाँ पर आईएनसी में आकर जो इन्होंने बनाया आईएनसी, यहाँ पर आकर वो लोग इसको प्रेजेंट करें और एक पीसफुल वे में ये इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए रादर देन द रिवोल्ट. बिकॉज उस टाइम में जो है ना बहुत ज़्यादा रिवोल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था. मेनली वो जो इन लोग डर गए थे कब, ब्रिटिशर्स, जो रामोशी पेजेंट मूवमेंट हुआ था वासुदेव भलवन फाड़के, जो एक क्लर्क थे, ठीक है, जो एक क्लर्क थे उन्होंने जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया, रिवोल्ट जो किया था पेजेंट को इकट्ठे करके. हालांकि वो उस वक्त वासुदेव भलवन फाड़के के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, हालांकि ही वो इज द क्लर्क, यानी कि एक वो सर्विस में थे, है ना, गवर्नमेंट की सर्विस में थे. बट स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने सारे पेजेंट को गैदर किया, इकट्ठा किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा किया. तो इसके बाद से, रिवोल्ट के बाद से, ये लोग थोड़ा सा डर गए थे ब्रिटिशर्स लोग. तो इस वजह से ही लॉर्ड डफरिन ने ये सोचा कि ब्रिटिशर्स के लिए एक जो सेफ्टी वैल्व थ्योरी का काम करेगा, सेफ्टी वैल्व का काम करेगा कौन, आईएनसी, अपने सारे ग्रीवांसेस के लिए ये लोग इस प्लेटफॉर्म में आकर जो पढ़े लिखे थोड़े से लिटरेट, ठीक है, अपर क्लास जो इंडियंस हैं वो लोग यहाँ पर आकर उसको प्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज राइट. और ये फर्स्ट वन, ये फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ लाला हरदयाल नहीं होगा, ठीक है, लाला हरदयाल नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, मैं बता दे रही हूँ, लाजपत राय. ओके, लाला लाजपत राय, उन्होंने इस सेफ्टी वैल्व थ्योरी का इंस्टांस दिया था अपने एक आर्टिकल में, जिस यंग इंडिया में, यंग इंडिया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में उन्होंने इस थ्योरी को का एक एग्जांपल दिया था. ठीक, चलिए नेक्स्ट. नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. अगेन करेक्टली मैच्ड हमको पेयर्स फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज ब्रह्मो समाज बंगाल, टू इज आर्य समाज पंजाब, थर्ड इज प्रार्थना समाज महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज कायस्थ सभा उत्तर प्रदेश. सो ये सारे ऑप्शंस हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है. आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है, ब्रह्मो समाज बंगाल से था, आर्य समाज वॉज फ्रॉम पंजाब, प्रार्थना समाज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दिस कायस्थ सभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सभी बिल्कुल करेक्ट है और ये लोग सबों का एक ही मोटिव था, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन इन द सोसाइटी. ओके, याद रखना आप लोग. तो ये रहा, ये था आपका आज का वीडियो, मेनली था मेंस के लिए, WBCS मेंस के लिए जो होने वाला है हमारा दिसंबर में. इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे. ये है सेकंड पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट ऑलरेडी हमने पब्लिश किया, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना. और इसके अलावा भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्लासेस को. इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है, क्लर्कशिप एग्जाम के लिए उसको भी आप लोग देखिए. SSC के लिए भी प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर डाला जा रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.